Dear students, today the chapter is network, first chapter. The topic is terminology of network. The first terminology of network is server. It is a centralized computer that has huge storage capacity and very high processing speed. It acts as an intermediary between two or more computers, which are on network. It is the intermediary and the supplier of data, information, or other resources to the connected nodes. A server can have many workstations connected to it. Server is that computer that has more capacity. Without capacity, the working of transferring data is slow. जो भी सर्वर होता है नेटवर्क के बीच में, जो मेन कंप्यूटर होता है, उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बता चुका है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसकी जो कैपेसिटी है वो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, साथ साथ इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगा। प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होने का कारण ये है कि जो भी वर्क होगा नेटवर्क के अंतर्गत, अगर उसका स्पीड स्लो है तो जो भी ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा होगा वो धीरे होगा। जैसे आपके पेंटियम 1, 2, 3 कंप्यूटर्स आते थे, उनका जो है जो प्रोसेसर था छोटा होता था, तो जैसे आपके एक्सेल का कमांड हुआ पाइवट टेबल, या फिर मेल मर्ज एमएस वर्ड में हुआ, तो उनको करने में बहुत टाइम लग जाता था। उसका जो रैम पावर है वो भी कम होता था। अतः हम अपने कंप्यूटर को फास्ट वर्क करने के लिए, जो हमारा जो भी सीपीयू जिसको हम सर्वर बनाते हैं, वो हाई स्पीड और ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है। और सर्वर से जितने भी कंप्यूटर हो, 4, 5, 6, 8, 10, 12 जो भी कंप्यूटर होंगे, वो सभी क्या होंगे, सर्वर से कनेक्टेड होंगे। और उन सभी का डाटा, आप कहीं से भी आप डाटा सेव करेंगे तो सर्वर में जाएंगे। वर्क स्टेशन क्या हुआ, वर्क स्टेशन हुआ कि जितने भी कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड हैं उसको हम नोड या वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। वर्क स्टेशन इट रेफर टू द कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। वर्क स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज नोड, उसको हम नोड्स के नाम से भी जानते हैं। और जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो बताता है कि आपका वर्क स्टेशन ये गड़बड़ है, इस वर्क स्टेशन तक डाटा जा सकता है, इस वर्क स्टेशन पे डाटा नहीं सेव है या खुला हुआ है। ऐसे वो आपको सर्वर जो है मैसेजिंग भी करता है। अब हम आते हैं NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज ए डिवाइस अटैच टू ईच नोड एंड थस इट इज कनेक्टेड टू सर्वर। एक आपको क्या है कि वायर के थ्रू, केबल के थ्रू नेटवर्क में सिस्टम जो है क्या है, अटैच है। तो एक वायर आपके नोड में होगा जो आपका वर्क स्टेशन है, दूसरा उसका जो है सो सर्वर से अटैच होगा, जिसके चलते सर्वर और एक दूसरे नेटवर्क का डाटा ट्रांसफरिंग होता है केबल के थ्रू। और कॉमन इंटरफेस एस्टेब्लिश होता है बिटवीन नेटवर्क एंड द कंप्यूटर टू कनेक्टेड टू द आउटसाइड नेटवर्क। NIU प्रॉपरली नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी हम जानते हैं।
और ए यूनिक फिजिकल एड्रेस उसका होता है, जितना भी NIU होगा सबका यूनिक फिजिकल एड्रेस होगा, जिसको कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाय द मैन्युफैक्चर के थ्रू उसमें कोड दिए जाते हैं, जिसे हम मीडिया एक्सेस कोड के नाम से भी जानते हैं। पहले के जो सिस्टम्स आते थे उसमें जो है सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच नहीं होते थे, लेकिन करेंट में जो सिस्टम आ रहे हैं उस सभी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्टेड रह रहे हैं, जिसके चलते नेटवर्क का वर्क आज के डेट में आसान हो गया है।